आईपीएल के अगले सीजन पर मंडराए संकट के बादल, आईसीसी बन सकता है आईपीएल की राह में रोड़ा। इस बार बीसीसीआई चाहता है कि 74 दिन तक आईपीएल का अगला सीजन चले। ऐसे में जून के दूसरे हफ्ते तक आईपीएल चल सकता है। 7 जून से डब्ल्यूटीसी का फाइनल मैच शुरू हो सकता है। आईसीसी इवेंट से पहले एक हफ्ते का स्पेस रखने का नियम है। बांग्लादेश के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई साल बाद शतक लगाया था। शतक लगाने के बाद बहुत ही शांत तरीके से पुजारा ने जश्न भी मनाया था। इस पर मोहम्मद कैफ ने उनसे खुलकर जश्न मनाने को कहा, सलाह दी कि पुजारा को हवा में बैट घुमाना चाहिए और हवा में पंच मारना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन दिखाने में नाकाम रही और 189 रन पर ऑल आउट हो गई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की ओर से शानदार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने 5 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने 100वां टेस्ट मैच खेला। पहले दिन का खेल खत्म होने तक डेविड वार्नर ने 35 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कराची में खेला गया। इस मैच में करीब 3 साल बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद की वापसी हुई। रिजवान अहमद की जगह सरफराज अहमद को टीम में शामिल किया गया। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर का मानना है कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में खराब बल्लेबाजी के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 4 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर करना होगा। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 2022 में 4 टेस्ट मैचों में केवल 137 रन बनाए हैं। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने अपने शिष्य के खराब फॉर्म पर चिंता जाहिर की है। राजकुमार के मुताबिक बांग्लादेशी स्पिनर्स के खिलाफ विराट जिस तरीके से संघर्ष कर रहे थे वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। कोच शर्मा ने महसूस किया कि कोहली ज्यादा रन बना सकते थे क्योंकि टेस्ट सीरीज में उनका बल्लेबाजी औसत सिर्फ 15 का था। दिग्गज लियोनेल मेसी फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2024 तक का करार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके बार्सिलोना जाने की संभावनाएं फिलहाल टल गई हैं। मेसी का अगली गर्मियों में पीएसजी के साथ करार खत्म होने जा रहा है। वो पिछले 18 माह से पीएसजी के साथ जुड़े हुए हैं। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।